हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सी आउट ऑफ वेस्ट फोटो फ्रेम, जिसे हमने सारा की सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया है। कुछ भी इसमें ऐसा सामान नहीं है जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। इसमें जो भी चीजें हमने यूज करी है वो वेस्ट मटेरियल है, जो हम यूजुअली डस्टबिन में फेंक देते हैं। उससे ये इतनी ब्यूटीफुल सी बस शेप हमारी फोटो फ्रेम बनके तैयार हुई है। तो हम अपनी ये वीडियो शुरू करें, उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पे क्लिक कीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें ऑल पे जाके प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरी हर रेसिपीज के वीडियो आप जल्द से जल्द देख पाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। इसके लिए सबसे पहले हम ऐसा कोई वेस्ट बॉक्स लेंगे जो कार्डबोर्ड का हो, इस टाइप का ले लेंगे। तो अगर ये ना हो तो जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से हम कुछ भी मंगाते हैं तो जो डिलीवरी बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में कार्डबोर्ड के बॉक्स में सामान आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। करना है जैसे ये प्लेन है, लाइक इसके ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं है और ये सिल्वर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। अदरवाइज कुछ भी आप यूज करें ऐसा, लेकिन इसकी बैक साइड यूज करके फिर हम इस पे पेंट कर सकते हैं। बट लकीली एक ये इसमें ऐसा था जो प्लेन सिल्वर था, तो मैं इसको यूज करना करने जा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके स्ट्रिप्स काटने हैं, लंबी लंबी पटनियां काटनी है। साइज जो रहेगा वो रहेगा, दो साइज काटने हमें, एक रहेगा 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का रहेगा एक, और जो और उसकी जो लेंथ 14 रहेगी और उसकी जो ब्रेथ है वो हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, इतना चौड़ा चाहिए हमें और 14 सेंटीमीटर लंबा। और जो सेकंड स्ट्रिप हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे 11 सेंटीमीटर लंबी लेंगे और जो उसकी ब्रेथ रहेगी वो सिर्फ रहेगी 1 सेंटीमीटर लंबी। तो ऐसे हमें जो मोटी वाली है उसकी 3 स्ट्रिप्स काटनी है, जंबो स्ट्रिप्स जिसे हम बोलते हैं, और जो पतली वाली रहेगी 1 सेंटीमीटर प्लस 11 जिसकी लेंथ रहेगी उसकी हमें काटनी है 4। तो मैंने ऐसे काट के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप की ये 3 काटनी है, 14 by 2 और ये 11 by 1, ठीक है। अभी इस पे क्या रहेगा ना, मुझे पेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी प्लेन है, सिल्वर है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अदरवाइज मैं ऐसे लेके इस पे कोई भी अपना फेवरेट या बच्चों का फेवरेट कलर पेंट कर देती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 बड़े वाले हमने स्ट्रिप्स काटे थे ना, उसको ऐसे उल्टा करके ऐसे एक लाइन में रख लेंगे और फिर ये जो छोटे वाले पतले वाले स्ट्रिप थे, एक ग्लू गन की हेल्प से ऐसे ग्लू गन लेंगे और इस पे लगाएंगे और उसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सबसे कॉर्नर से, ठीक है। मेक श्योर एकदम स्ट्रेट हो, आप जो लगा रही हो एकदम सीधा लगाएं। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक गाइडेंस के लिए इसको रख लेंगे कि हमें पता चले हमें लास्ट वाला कितना दूर लगाना है, और इस तरह से यहां पर दूसरा वाला भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये लगा लिया, और सेंटर में एकदम सेंटर में इसके ये लास्ट वन। तो हमारा ये 2 फोटोज का फ्रेम बन जाएगा जहां हम 2 फोटो लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से,
मेक श्योर एकदम स्ट्रेट लगाएं आप। और ये लास्ट वन इसको उल्टा करके इस तरह से ऊपर आएगा। ये देखिए ब्यूटिफुल इज़न्ट इट सिल्वर बस। ये देखिए अगर आपके पास नहीं हो लाइक इसके ऊपर ऐसा प्रिंटेड आ रहा हो या आप सिंपल कोई भी बॉक्स का कार्डबोर्ड ले रहे हो तो आप इसको उल्टा करके ये साइड पीछे रखिएगा, फिर इस पे पेंट करके ये साइड इसका फ्रंट करिएगा। अब हमें क्या करना है, हम इसके व्हील्स बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा मैंने या तो आपके पास ब्लैक कलर का पेपर हो उससे आप कट कर सकते हैं, या मेरे पास व्हाइट शीट थी मैंने उसको ना एक 10 के कॉइन से सर्कल काट के ब्लैक पेंट कर लिया है, तो उससे हम इसके इस तरह से व्हील्स बना देंगे। ये देखिए और मेरे पास ये बटन्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, बिना यूज के हैं, तो उसको भी इसके ऊपर लगा के ऐसे स्टिक कर देंगे एकदम सेंटर में। तो हम ये करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम बटन्स पे ग्लू लगाएंगे और इसके एकदम सेंटर में रख के इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरह दूसरे बटन पे भी ग्लू लगाएंगे। ये देखिए अब हम इस पे व्हील्स लगाते हैं कि देखिए ये आपस में स्टिक हो गए हैं और अब हम इसके व्हील्स लगाएंगे। लग रही है ना एकदम बस। क्या करेंगे, मेरे पास ये एक येलो कलर का बटन है, इससे हम इसकी हेडलाइट बना सकते हैं। क्रिएटिविटी लाइक कुछ भी कर सकते हैं आप ना। ये देखिए अब ये मेरे पास दो ऐसे पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स हैं, इसे हम फोर डॉट्स लगाएंगे एकदम साइड्स में और उसको इस तरह हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए सिंटेड ब्यूटीफुल। इसी तरह हम अपना दूसरा फोटो भी इस पे स्टिक कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से। और ये देखिए गाइस, ये हमारी फोटो फ्रेम बनके तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भी नोट लिख सकते हैं लाइक बैक टू स्कूल या मिसिंग स्कूल, अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड है, कुछ भी। ये हमारी ब्यूटीफुल सी फोटो फ्रेम बनके तैयार है। लास्ट हम क्या करेंगे, हमें कैसा कोई भी रिबन लेके उसको बस ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और ग्लू गन की हेल्प से इसके पीछे स्टिक कर देंगे सो दैट हम इसे कहीं भी हैंग कर सकें। ये देखिए परफेक्ट। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी फोटो फ्रेम, बस वाली फोटो फ्रेम बनके तैयार है। आप देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल से बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई इसमें ड्राइंग नहीं है। जो मैंने पिछली वीडियोस फोटो फ्रेम की शेयर की थी उसमें आप लोग के कमेंट्स आए थे बहुत से लोगों के कि प्लीज मैम कुछ सिंपल सिखाइए दैट वी कांट ड्रॉ लाइक दिस। तो ये बिल्कुल सिंपल वे है एक फोटो फ्रेम बनाने का, वो भी घर की बची हुई चीजों से। जो बॉक्स हम यूजुअली फेंक देते हैं, हम बिल्कुल कभी उसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ उन चीजों को लेके हमने ये वेस्ट मटेरियल से फोटो फ्रेम बनाई है।
होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तब तक के लिए, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।